उनमें से जो एक उतरे वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग ही सिंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। विदाउट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। और इसको देखकर हमारी जो रुदाली ब्रिगेड है वो छाती पीट रही है। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मोदी जी का कोई तोड़ उन्हें मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट, अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। संयम रखिए, आराम से तमाशा देखिए, पॉपकॉर्न हाथ में रखिए। एक गुजराती भाई है, इनकी जो दुश्मनी है ना वो भी इतनी खतरनाक है कि मिठाई खिला खिला कर दुश्मनी अपनी मोल लेते हैं ये लोग। जो भारत की एक ताकत है, भारत की जो शक्ति है, तो उसके कारण ही ऐसा संभव हो सका। भारत इमर्जिंग भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है। अब जिम्मेदारी भारत पे आन पड़ी है कि वो किस तरह ये सारे मामले को सुलझाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जो पूर्व 8 नेवी अधिकारी जो कतर के अंदर फंसे हुए थे, अब उनकी रिहाई हो चुकी है और वो भारत लौट आ चुके हैं, और आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है और इस पर जो है ना चर्चा हो रही है पाकिस्तान की मीडिया के अंदर कि मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है ना वो एक बार फिर से कामयाब हो गई है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब उसके बाद, पहले तो उनकी वो सज़ा ख़त्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहाँ से, जेल से। क्या कहेंगे आप कि ये किसकी सक्सेस है? ऑफकोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना? तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय दी एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज हो करके और इंडिया भी आ जाना, आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट, जिसे कहते हैं मोदी कैसे पॉसिबल। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन यू नो स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा।
तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी, आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है, ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है, और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। ये हमारे मिलिट्री के लोग, हमारे जांबाज, हमारे रक्षक, वो फ्री हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं और भारतवर्ष आ गए हैं। लेकिन इसके पीछे का जो कथानक है, जो घटनाक्रम है, वो बड़ा लंबा चला और वो लंबा चला और वो भारत की जो इस समय विश्व में स्थिति है, जो भारत की एक ताकत है, भारत की जो शक्ति है, वो उसके कारण ही ऐसा संभव हो सका। आपको याद है मैंने जब बताया था कि जब दुबई में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और कतर के अमीर जो अल थानी हैं उनकी जब मुलाकात हुई थी, उनकी भेंट हुई थी, तभी मैंने कह दिया था कि अब आप ये समझ जाइए कि ये कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन चूंकि कतर को भी ये बताना होगा कि भाई उन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया था और जो कुछ भी वो कर रहे थे वो अपने देश के हितों के लिए कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा समय चाहिए और वो समय के अनुसार वो सारा काम कर देंगे। जो इस प्रकार के जो देश होते हैं, यानी जो डिक्टेटरशिप वाले देश होते हैं या जो मोनार्कीज होती हैं जिसमें केवल एक राजा अध्यक्ष होता है, सब कुछ उसी की चलती है, उसमें ये काम बहुत अधिक कठिन नहीं होता है। कुछ लोग अभी भी जो हैं वो कुलभूषण जाधव की याद कर लेंगे, किस प्रकार से कुलभूषण जाधव को अपहरण करके ले गए थे ISI वाले, ISI वालों का चेला जो था वो अपहरण करके ले गया था, जो अपहरण करके ले गया था उसको अननोन गनमैन ने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। सबसे पहले ये हुआ क्यों कि ये 8 लोग जो थे इनकी गिरफ्तारी और इनके ऊपर ये आरोप लगे क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे पूरी तरह से एक पाकिस्तानी षड्यंत्र था और पाकिस्तान वहां पर एक्टिव होता ही है, पाकिस्तान के ISI के लोग ये सारे अरब देशों में बैठे ही हुए हैं, तो पाकिस्तानियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा के इनको फंसाया और इनके प्रति इनके लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, डॉक्यूमेंट मुहैया कराया, जिसके कारण इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट भी किसका आरोप में किया गया था कि ये लोग एक इटालियन सबमरीन जिसको इंडक्शन कर रहे थे उसके इन्होंने जो रहस्य थे या सीक्रेट थे वो इसराइल को बता दिए थे। अब जिस समय ये किया गया था उस समय भारत और कतर के जो रिलेशनशिप थे उनमें थोड़े से स्ट्रेंस भी चल रहे थे, भारत ने इसराइल का समर्थन भी किया था। आपको ध्यान है कि जब अक्टूबर में हमास ने भारत के इसराइल के ऊपर आक्रमण किया था तब भारत ने पूरी तरह से हमास की निंदा करते हुए इसराइल का समर्थन किया था और इसराइल के आतंकवाद से लड़ने के अधिकार को मान्यता दी थी। तो इसको लेके कतर में भी थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन उसके पहले ही ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका था क्योंकि इस बात को हो गए लगभग 1.5 वर्ष ये जो इनको सेंटेंस सुनाया गया था, गिरफ्तार किया गया था और लगातार उस समय से ये कार्यक्रम चल रहा था। फिर भारत ने आरंभ किया जिसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक, जिसको कि हम जानते हैं साम दाम दंड भेद। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें या पाकिस्तानियों की बात करें तो जिस टाइम का ये वाकयात हुआ था उस टाइम पर जब कतर की अदालत ने ये सजा सुनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी शोरगुल मचाया था कि ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद जो हमने देखा कि उनकी जो सजा थी उसको जो है ना बदल दिया गया, फैसला अदालत का बदल दिया गया, उसके बाद हमने अब देखा है कि उनकी रिहाई भी हो चुकी है और वो भारत भी लौट आए हैं। ये सब कुछ जो मामले हुए ना इतना फास्ट हुए हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मोदी सरकार है और उनकी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से काम करते हैं। वो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी सुना है, भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोना धोना मचा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मोदी सरकार क्या करेगी, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा। अब उनके मुंह पर भी जो है ना एक तरीके से ताला लग चुका है, अब वो भी किसी प्रकार
सरकार से जो है ना इस पर सवाल नहीं उठा पा रहे, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही जल्द तरीके से ना जो भारतीय थे जो वहाँ पर उनको सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा पर रोक लग गई और डिप्लोमेसी के थ्रू जो है ना वो फिर से भारत के अंदर जो है ना यहाँ पर लौट आए हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को आपने देखा है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।